नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन का आज का एक नया ऑर्डर आया है 17 अप्रैल 2020 को। ये कुछ गाइडलाइंस जो था होम मिनिस्ट्री के उसके रिगार्डिंग ही है। कुछ चेंजेस जो हुए वो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी जो पुराने होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस थे उसको ही फॉलो कर रहा है। इसमें चेंजेस क्या हुए वो मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि लॉकडाउन जो था वो एक्सटेंड कर दिया गया था 3 मई तक, तो उसमें चेंजेज हुआ है कि 20 अप्रैल से जो बोला गया है, मतलब कमिंग मंडे जो है 20 अप्रैल 2020 से, इसमें बोल दिया गया है कि जो भी मिनिस्ट्री है उन सब में ड्यूटी ड्यूटी सेक्रेटरी से ऊपर वाले पोस्ट, मतलब डिप्टी सेक्रेटरी या उससे ऊपर के जो भी ऑफिसर्स या पोस्ट हैं उन सबको 20 तारीख के बाद रेगुलर ऑफिस आना है, मतलब 100% अटेंडेंस आना है। उन लोगों के लिए कोई रोस्टर्स पॉलिसी नहीं होगी, सबको ड्यूटी डेली आना है। लेकिन उसके नीचे के जो स्टाफ होंगे, रिमेनिंग ऑफिसर एंड स्टाफ, उनके लिए जो है 33% स्ट्रेंथ को बोला गया है, यानी 1/3 बोल सकते हैं कि 1/3 स्ट्रेंथ को ऑफिस आने के लिए बोला गया है। ये हो सकता है कि रोस्टर बेसिस पे चलाया जाए स्ट्रेंथ को। मेन जो चेंजेज यही हुए हैं कि अभी तक जो लॉकडाउन में ऐसा कुछ हेल्थ मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम जो जारी किया था उसको फॉलो किया जा रहा था, लेकिन 20 तारीख के बाद बोल दिया गया है कि जो भी हायर अथॉरिटी है जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी है उसके ऊपर के लेवल के जो भी ऑफिसर है उनको 100% अटेंडेंस आना है, अटेंडेंस देना है, मतलब ऑफिस अटेंड करना है। बाकी जो उसके नीचे के स्टाफ हैं उनको 33% स्ट्रेंथ के साथ ऑफिस को चलाना है। इसमें दो नंबर पॉइंट में इसलिए बोला गया है कि जो ऑफिसर्स डिप्टी सेक्रेटरी या नवाब लेवल पे काम कर रहे हैं संचार भवन के लिए, उनको भी बोल दिया गया है कि वो लोग भी 20 तारीख से ड्यूटी अटेंड करें, और जो नीचे के उनके नीचे के स्टाफ है उनके लिए 33% का वही स्ट्रेंथ रखा गया है कि 33% अप टू 33 है, मैक्सिमम जो है 33% तक का रखा गया है। जो थर्ड नंबर बोला जा रहा है उसमें बोला जा रहा है कि जो भी एम्प्लॉई ऑफिस को अटेंड करेंगे और लॉकडाउन के जो रूल्स हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और सोशल डिस्टेंसिंग जो नॉर्म्स इशू किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कोविड-19 प्रिवेंशन के लिए, उसको भी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का जो रूल है उसको भी फॉलो करने के लिए आपको ऑफिस अटेंड करना है। बस इन दोनों रूल को भी ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन करते हुए और लॉकडाउन का जो रूल है उसको भी फॉलो करते हुए आपको ऑफिस अटेंड करने के लिए बोला गया है, जो लोग ऑफिस अटेंड करेंगे। आगे के पेज में जो है वो पुराना ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो 15 अप्रैल का ऑर्डर आया था, जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो 15 अप्रैल का ऑर्डर था, जो कि मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही ऑर्डर को इसमें फिर से दिया गया है कि इस रूल को फॉलो करते हुए बाकी 20 तारीख से जो है हायर अथॉरिटी को 100% अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है, बाकी जो नीचे वाले पोस्ट हैं उनको बोला गया है वो 1/3 यानी 33% स्ट्रेंथ, जितना ऑफिस का आपका स्ट्रेंथ था उसका 33% लोगों को ऑफिस अटेंड करने के लिए बोल दिया गया है। तो मेन जो पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।